ये संतोष हैं। संतोष सुबह जब अपना चेक जमा कराने अपने बैंक पहुंचे तो अचानक बैंक बंद देखकर उन्हें काफी निराशा हुई। दरअसल पूरे देश में लोगों को ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा जब बुधवार का दिन 27 सरकारी बैंकों के 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी एक दिन की हड़ताल के नाम रहा। सामान्य बैंकिंग गतिविधियां दिन भर प्रभावित रहीं। मैं गया था लालगंज में, हमारे पड़ता है वहाँ पे तो पैसे ही नहीं निकले। अरे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो बिजनेसमैन है उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एटीएम से उनका काम नहीं चलने वाला है। और छोटा मोटा ट्रांजेक्शन हो तो ठीक है, शॉपिंग कर लिया या एटीएम से थोड़ा पैसा निकाल लिया, लेकिन जो बड़ा ट्रांजेक्शन है जिन्होंने अपने बिजनेस चलाने हैं वो कैसे करेंगे इस चीज के लिए। बैंक यूनियन नवंबर 2012 से अपने वेतन भत्ते में 30% से ज्यादा की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जबकि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की राय में केवल 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। बैंकिंग यूनियन के फोरम ने विदेशी बैंकों को लाइसेंस दिए जाने पर भी अपना विरोध जताया। इस हड़ताल के बाद 14 तारीख को आईबीए ने एक मात्र भीख के रूप में 5% हमें ऑफर किया, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी मांगे हैं, रेगुलेटरी वर्किंग आवर्स है, लेकिन सरकार किसी भी चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है। विदेशी मुद्रा बाजार से जुड़े कामकाज और चेक क्लियरिंग जैसे कामकाज प्रभावित रहे और लोगों को पैसे निकालने के लिए एटीएम का ही सहारा लेना पड़ा। बैंकिंग सेक्टर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ऐसे में अगर ये एक दिन के लिए भी रुक जाए तो जाहिर तौर पर खामियाजा अर्थव्यवस्था को ही उठाना पड़ता है। अब 23 तारीख को ये यूनियन फिर से मिलेगी और बैठक करेगी, और अगर इस बैठक के अंदर इनके मांगों को नहीं स्वीकारा जाता तो शायद ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ऐसे में चाहे जीत किसी की भी हो, लेकिन आखिर में नुकसान आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ अरुण शर्मा, डीडी न्यूज़।